दोनों सरकारों में अपनी प्रबल मांग रख चुके हैं। अतिथि शिक्षकों का आज तक कोई निराकरण नहीं हो पाया है, जिसके चलते आज अतिथि शिक्षकों ने काला दिवस मनाते हुए बड़वानी तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। अतिथि शिक्षकों ने बताया कि कांग्रेस सरकार के दौरान जब हम आंदोलनरत थे, तब गृह मंत्री और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आश्वस्त किया था कि जब हम वापसी करेंगे तो आप लोगों को नियमित कर दिया जाएगा। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हमारे पक्ष में सरकार को घेर सड़क पर उतरने की बात की, लेकिन अभी 6 महीने से वो भी मौन है। इसलिए आज काला दिवस मनाया जा रहा है ताकि सरकार हमारी मांगों का निराकरण करे। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। भीम प्रकाश बोध जी, क्या लेना है आज? जैसा कि शिक्षक दिवस है और अतिथि शिक्षकों के साथ कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार शोषण कर रही है, इसलिए आज हम काला दिवस के रूप में मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि शिक्षक दिवस पर हम काला दिवस मनाएं। क्या नाम है आपका? रामलाल सोलंकी, जिला संयोजक, अतिथि शिक्षक संघर्ष समिति, जिला बड़वानी। रामलाल जी, क्या लेना है कलेक्टर का? सर, हम लोग हमारी मांगों को लेकर ज्ञापन देने आए हैं कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को। किस तरह की मांगें और क्या चाहते हैं? हमारी प्रमुख मांगें ये है कि हमारा सबसे पहले तो जो है सेवा काल 12 माह का किया जाए। दूसरी बात है, अतिथि शिक्षक का जो पद है इसको रिक्त न माना जाए और जो अतिथि शिक्षक जहाँ पर कार्यरत है वहीं पर उनको नियुक्त किया जाए। और हमारी तीसरी मांग ये है कि हमें जल्द से जल्द नियमित किया जाए और हमारी मांगों को पूरा किया जाए। आज जैसे कि शिक्षक दिवस है, आप लोग परेशान हो रहे हो, धूप में खड़े हो, ज्ञापन देने आना पड़ा, क्या कहूँगे इसके लिए? सर, हम लोगों को जैसे कि पिछली सरकार में भी हमको आश्वासन मिला था और उस सरकार के दौरान भी हमने कई आंदोलन किए, कई धरने दिए, हमने अनशन भी किया, तो उस समय जो है ये जो तत्कालीन सरकार है वहाँ पर धरना स्थल पर आए थे ये लोग। माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी आए थे, मुख्यमंत्री जी आए थे, इन्होंने आश्वासन दिया था कि जैसे ही हम लोग आएंगे हम लोग आपको नियमित करेंगे और आपकी मांगों का को संज्ञान में लेंगे। लेकिन जब से सरकार आई है लगभग 6 माह हो गए हैं, पर अभी तक हमारी मांगों को नज़रअंदाज कर दिया है। और सिंधिया जी जो जिन्होंने अतिथि के मुद्दे पे सरकार को गिराया और सत्ता बदल किया, लेकिन उन्होंने भी आज तक अतिथि के संबंध में कोई भी अपना बयान नहीं दिया है। शिक्षक दिवस तो काला दिवस मनाएंगे और इसीलिए शिक्षक को पिछले 6 माह से वेतन नहीं मिला है। कई शिक्षक ऐसे हैं जिनको वेतन नहीं मिला है और 12-13 सालों से कई शालाएँ ऐसी हैं जो शिक्षकों के ही कारण चल रही है, अतिथि शिक्षक के कारण। वो उन शालाओं में शिक्षक अतिथि शिक्षक ही कार्यरत है, लेकिन उनको अभी तक अल्प मानदेय दे रही है सरकार, वो भी अभी तक नहीं मिल पा रहा। शिक्षक लोग आए थे सर, शिक्षक दिवस से काला दिवस मनाया है, तो उन्होंने ज्ञापन दिया है। आज बड़वानी जिले के अतिथि शिक्षक एक ज्ञापन लेके आए थे, मुख्यतः तो वो मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित ज्ञापन था, जिसमें उनकी कुछ मांगे हैं। लॉकडाउन पीरियड का जो मानदेय था और इसके अलावा उनकी पदस्थापना और नियमितीकरण को लेकर कुछ इश्यू थे, इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर उनके द्वारा आज ज्ञापन दिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।